जनवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान का हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं हूँ रामकृष्ण वर्मा। बने रहिए हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको खबरों की हर अपडेट मिलती रहे। विधानसभा क्षेत्र उतरौला में समाजवादी पार्टी के जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के प्रत्याशी का समर्थन करेगी। हसीब खान सपा समर्थित प्रत्याशी होंगे। गुरुवार को व्हाइट हाउस में आयोजित बैठक में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जनवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हसीब खान ने कहा कि क्षेत्र में सपा जनवादी पार्टी का प्रत्याशी उन्हें घोषित किया जाता है, मतदाताओं का समर्थन उन्हें जरूर मिलेगा। भाजपा की नीतियों का आलोचना करते हुए कहा कि हर वर्ग के लोग इस पार्टी के कुशासन से तंग हो गए हैं। सपा गठबंधन की ओर लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की भावना से ही शिक्षा स्वास्थ्य विकास के कार्यों को गति मिलेगी। हिंदू मुस्लिम एकता से ही शिक्षा के समुचित उत्थान होगा। क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिलने तथा बेरोजगारी भत्ता दिलाने का वादा करते हुए कहा कि हम धर्म जाति पर संप्रदाय के आधार पर राजनीति करने के बजाय सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। कार्यक्रम के मंडल अध्यक्ष महेश चौहान, जिलाध्यक्ष मान सिंह चौहान, विकास समिति के संरक्षक राम सागर चौहान समेत अन्य लोग संबोधित किया। कोरोना के बारे में लड़ने के लिए सोचा तो मैंने सोचा नेता तो हूँ नहीं, बड़ी बड़ी बातें करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा कर दूंगा, तुमको मैं ये क्वेटो बना दूंगा, उस रोला को कुछ नहीं हो सकता, इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता, ये सब हवा हवाई बातें, सिर्फ जो आपको कह रहा है वो सिर्फ हवा हवाई बातें हैं, असलियत कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो भाषण में कहा जाता है। उतरौला में डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में ऐसा एक टीम है जो कि हिंदुस्तानी नहीं दुनिया में भी नाम रोशन करती है। वो जानते हैं कौन? पीओपी के कारीगर। आप मुंबई चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, आप बेंगलोर चले जाइए, आप गोवा चले जाइए, आप रायगढ़ चले जाइए, आप नागपुर चले जाइए, आप जयपुर चले जाइए, आप कोटा चले जाइए, आप जहां चले जाइए, आपको जो अच्छी कोई बिल्डिंग मिलेगी, अच्छा कोई ऑफिस मिलेगा, उसमें काम किसने किया होगा तो उसमें से चाहे एक लड़का होगा बलरामपुर जिले का, वो होगा जरूर।